नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, और आप देख रहे हैं योगा लाइफ। आज जो मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये पहले एज्ड पीपल में देखी जाती थी, पर आजकल ये प्रॉब्लम जो है बच्चे भी फेस कर रहे हैं। नीज़ की प्रॉब्लम, नी पेन। जो नी पेन है ये हर एज के बंदे में प्रॉब्लम ये देखी जा रही है, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, या फिर बूढ़े हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक एज में आके इस प्रॉब्लम का होना फिर भी समझा जा सकता है, पर जवान लोगों में और बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों है? इसका सबसे बड़ा एक कारण तो ये हो सकता है, मोटापा, ओबेसिटी। मोटापे के कारण आपके पूरे बॉडी का वेट जो है आपकी लोअर बॉडी पे पड़ता है, आपके नीज़ पे पड़ता है, जिसके कारण नीज़ पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। नीज़ को ठीक करने के लिए आपकी जो लेग्स की बाकी मसल्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि ग्लूट मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने घुटने ठीक रखने हैं। आज मैं आपके साथ 5 सूक्ष्म व्यायाम डिस्कस करूंगी, जिनको करने से ये जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इन्हें मजबूत किया जा सकता है, और नी पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, चाहे तो पैरों में थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं, शोल्डर विथ का गैप भी रख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी वॉल की हेल्प भी ले सकते हैं, वॉल का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों हाथों को, अगर मैट पे कर रहे हैं यहाँ पर बिना किसी सहारे के, दोनों हाथों को अपने इस तरह से वेस्ट पे रख लेंगे। अब क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने पंजे के ऊपर आना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। देखिए किस तरह से, इनहेल और एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल, धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे, इनहेल एक्सहेल। देखिए काफ्स पे कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, एक इनहेल एक्सहेल, अगेन डाउन, अगेन रिलैक्स। अब हम रुकेंगे 5 सेकेंड के लिए, काउंट करेंगे, 5 काउंट्स करेंगे ऊपर जाके। इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल अगेन, इनहेल 1 2 3 4 5 एंड एक्सहेल। आप इस एक्सरसाइज को अपने अकॉर्डिंग करें, जितना आराम से कर सकते हैं, 10 बार 30 बार अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। क्या करना है, अपनी मैट के ऊपर बैठ जाना है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, दूसरे व्यायाम की तरफ। क्या करना है, आपको अपनी लेग्स को सीधा करना है इस तरह से, चाहे तो अपने हाथ यहाँ रख लें सपोर्ट देने के लिए, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाएं। यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ी बैक को सपोर्ट मिल जाएगी, अच्छे से स्ट्रेच दे पाएंगे। क्या करना है, पहले हम अपने राइट पैर को, अपने राइट पैर के जो पंजे को अपनी तरफ इस तरह से स्ट्रेच करना है, जितना कर सकते हैं अंदर की तरफ उसको पुल करना है। जब पुल करेंगे तब इनहेल करेंगे, जब रिलैक्स करेंगे तब एक्सहेल करेंगे। ब्रीदिंग के साथ इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने राइट पैर के पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच करें इस तरह से। चाहे तो कोशिश करें अपने नी इस एरिया को ज़मीन के साथ टच करने की, इस चीज़ पे प्रेशर डालें, ये चीज़ आपकी, ये मसल्स को टाइट करें, वो हील को थोड़ा सा अप करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपने पंजे को भी टाइट कर सकते हैं। पर जब आप अपनी हील को ऐसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे तो ये लेग पूरी टाइट हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी, जो पूरा इस एरिया में, देखो मेरा जो हाथ है वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा, थाई मसल्स पूरी तरह से टाइट हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली जो नी पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अपनी हील को ऐसे अप करके रखेंगे, टो को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे टाइट करके। इनहेल करके शुरू किया था, ज़रूरी नहीं है उसके बाद सांस रोकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। शुरू इनहेल से करना है, सांस लेते हुए करना है, और एक्सहेल
फास्ट नहीं करना, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। मैं यही रेकमेंड करूंगी कि इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे होल्ड रख के करें, इनहेल करें, थोड़ी देर उसको टाइट करके उस एरिया में टाइट करने के बाद उसको रोक के रखें, फिर धीरे से उसको रिलैक्स करेंगे। फिर करेंगे एक बार इनहेल। देखिए मेरी हील जो है ज़मीन से उठी हुई है, पूरा गैप है ज़मीन और हील में यहाँ पे, और ये चीज़ पूरी जो है ज़मीन के साथ टच है। अगेन टाइट एंड रिलैक्स 5 times। इसी तरह से दूसरे पैर के साथ करेंगे। अब मैं आपको दोनों पैरों के साथ इकट्ठे करके दिखाऊंगी किस तरह करना है दोनों पैरों के साथ। हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, या फिर अपने थाइस के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। विद इनहेल टोज को स्ट्रेच करना है, हील को थोड़ा सा आप करेंगे जितना हो सके, अगर नहीं हो पा रहा तो ज़मीन पर भी रख के कर सकते हैं इस तरह से टाइट, जितना हो सके इन मसल्स को टाइट करना है एकदम। देखिए फील करें एकदम टाइट हो चुकी हैं ये मसल्स। एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर से रिलैक्स 4, रिलैक्स 5 एंड रिलैक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो आप टॉवल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ब्लॉक, योगा ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे क्या करना है, डायरेक्टली अपनी नी के नीचे, नी के नीचे इसको इस तरह से प्लेस करना है। नी के नीचे प्लेस करने के बाद ये और ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, आपकी लेग को ऐसे ऊपर की तरफ अपने टो को इस तरह स्ट्रेच करने में। वैसे ही करना है, इनहेल करते हुए टो को स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। देखिए किस तरह, जितना कर सकते हैं, जितना स्ट्रेच दे सकते हैं दीजिए। देखिए कितना ऊपर चला गया पैर, हील ज़मीन से कितनी ऊपर है, और ऊपर रिलैक्स होके अपनी क्षमता अनुसार एक्सहेल रिलैक्स। अगेन रिलैक्स 3, रिलैक्स 4, रिलैक्स 5, रिलैक्स। दूसरी लेग के साथ बिल्कुल नी के नीचे इस तरह से प्लेस कर दें और स्टार्ट विद इनहेल एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए, सांस छोड़ें 3, एक्सहेल 4, एक्सहेल 5 एंड एक्सहेल। इसी तरह दोनों लेग्स के साथ करना है, नीज के नीचे अच्छे से प्लेस करके टोज को टाइट करें, होल्ड करें, रिलैक्स करें। होल्ड का टाइमिंग्स आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 seconds, 10 seconds, रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं विद द प्रैक्टिस। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर कर पा रहे हैं और कितनी देर नहीं। यहाँ पर दोनों लेग्स के साथ मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, सेम चीज़ है, दोनों लेग्स के साथ इनहेल एक्सहेल करते हुए करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अपने टॉल को बाहर निकाल देंगे। क्या करना है, अपने राइट लेग को नी से ऐसे बेंड करेंगे और अपने दोनों आर्म्स के साथ अपने थाई को इस तरह से हक कर लेंगे। दोनों हैंड्स जो हैं एल्बोज पे इस तरह से ये पोजीशन लेंगे, थाइस के नीचे से इस तरह, बिल्कुल कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सांस को लेते हुए इनहेल करते हुए इस तरह अपनी लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, जितना हो सके ऊपर की तरफ, और टो को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, पैरों की उंगलियां अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे।
और विद द एक्सहेल वापिस जमीन पर नहीं लगाना, हवा में रखेंगे पैर। अगेन विद द इनहेल होल्ड फॉर 5 seconds एंड विद द एक्सहेल डाउन। 3, 4, and 5. Exhale. ऐसे झुक कर नहीं बैठेंगे, कोशिश करेंगे बैक को सीधा रखें और जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना दें। इसी तरह से आपको दूसरी लेग के साथ भी करना है, ऐसे पकड़ के इनहेल करते हुए ऊपर होल्ड रखना है, एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इन मसल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। जब आपकी ये मसल्स नीज के आसपास की स्ट्रोंग हो जाएंगी तो नीज से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, वो मैं आपको लेफ्ट लेग के साथ करके दिखाऊंगी। क्या करना है, पोजिशन यही रहेगी इस तरह, कमर सीधी। पहले हमने क्या किया था, ऐसे स्ट्रेट किया था और वापस आए थे। अब यहाँ से हम एक तरह का सर्कल करेंगे, एक तरह की साइकिलिंग करेंगे। क्या करना है, सीधा करते हुए डाउन कंटिन्यू करेंगे। 1, चाहे तो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, सीधा नीचे से सीधा करते हुए ऐसे 1, 2, 3, टो को स्ट्रेच रखेंगे, 4 and 5। चाहे तो आप इस एक्सरसाइज को लेट कर भी कर सकते हैं, अपनी पीठ के बल लेट जाए, अपनी लेग को इस तरह से इस कर्व में रखते हुए चाहे तो सपोर्ट दे भी सकते हैं और चाहे तो हाथों को अपनी ज़मीन पर भी रख सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि लेट कर इस एक्सरसाइज को कैसे किया जा सकता है। धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं, इस तरह से दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दें और अब रोटेशन शुरू करेंगे। टो को स्ट्रेच करके रखना है ऐसे अपनी तरफ, स्टार्ट धीरे धीरे 1, ज़मीन के साथ टच नहीं करेंगे, 2, टो को स्ट्रेच रखें, 3, अब यहाँ से रिवर्स 1 and 2 and 3। पूरा सर्कल करने के बाद लेग को रिलैक्स करेंगे, इसी तरह से दूसरी लेग के साथ भी करेंगे और फिर धीरे से अपने मैट पर आ जाएं। तो ये 5 exercises सूक्ष्म व्यायाम आपके घुटनों के दर्द को ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।